जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ TAP। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी की हाईएस्ट रैंक फील्ड मार्शल के बारे में। दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंडियन आर्मी में फील्ड मार्शल कैसे बन सकते हैं, उनके पर्क्स एंड बेनिफिट्स, और फील्ड मार्शल के वर्क और आर्मी में उनके रोल के बारे में। फील्ड मार्शल इंडियन आर्मी की एक हाईएस्ट रैंक और एक 5-स्टार रैंक है। इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल के इंसिग्निया में नेशनल एम्बलम, क्रॉस बैटन और एक लोटस के अंदर सैब्र बना होता है। एक बात यहाँ याद रखने की है कि फील्ड मार्शल की रैंक आर्मी से कभी भी रिटायर नहीं होती है। इंडियन आर्मी में फील्ड मार्शल की रैंक इक्विवेलेंट है नेवी की एडमायरल ऑफ द फ्लीट एंड एयरफोर्स की मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स के। दोस्तों अगर आपको भी एडमायरल ऑफ द फ्लीट और मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों आपको बता दें कि अब तक सिर्फ दो ही ऐसे आर्मी ऑफिसर्स रहे हैं जिन्हें फील्ड मार्शल जैसी ऑनरेरी रैंक दी गई है। भारत में अब तक सिर्फ दो ही फील्ड मार्शल बने हैं जिनका नाम है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ सर एंड एम करियप्पा सर। अब इस रैंक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। हमें यह बात भी अपने माइंड में क्लियर कर लेनी चाहिए कि फील्ड मार्शल रैंक एक नॉर्मल इंडियन आर्मी रैंक स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग है। जिस तरह इंडियन आर्मी में ऑन द बेसिस ऑफ वर्क ईयर अलग अलग रैंक्स पे सोल्जर्स या ऑफिसर को प्रमोट किया जाता है, उस तरह फील्ड मार्शल का प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं होता है। हमें फील्ड मार्शल बनने के लिए मिनिमम 40 इयर्स की सर्विस कंप्लीट करनी होती है। फील्ड मार्शल बनने के लिए बस इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको 40 इयर्स की सर्विस में अपना डिवोशन टूवर्ड्स वर्क, स्किल्स और पैशन और अपनी आर्मी को वॉर्स जितवाने होते हैं। इन शॉर्ट अगर आप 40 इयर्स फुली कमिटेड होकर के काम करते हैं तो आपको फील्ड मार्शल की रैंक मिल सकती है। फील्ड मार्शल जैसी ऑनररी रैंक के लिए आपको पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फिर जनरल होना भी ज़रूरी है। अगर आप एट द एज ऑफ 19 to 20 तक अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके इंडियन आर्मी में एज अ लेफ्टिनेंट कमीशन हो जाते हैं तो आपके फील्ड मार्शल बनने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फील्ड मार्शल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक बैटन भी दिया जाता है। बैटन एक गोल्डन बार होता है जिसके टॉप पे अशोक स्तंभ बना होता है। ये बैटन फील्ड मार्शल की रैंक के प्रेस्टीज और ऑनर को दर्शाता है। वैसे तो फील्ड मार्शल की रैंक एक सेरिमोनियल रैंक है जो कि इंडियन आर्मी की हाईएस्ट रैंक भी है। इंडियन आर्मी में फील्ड मार्शल की रैंक कभी रिटायर नहीं होती है एंड द फील्ड मार्शल गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन टिल देयर लास्ट ब्रेथ। फील्ड मार्शल के पास अपना खुद का एक पर्सनल स्टाफ होता है टू मेंटेन देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फील्ड मार्शल रैंक एक ऑनररी रैंक है और इनका कोई वाइटल रोल या फंक्शन नहीं होता है। फील्ड मार्शल इंडियन आर्मी की सभी सेरेमनीज को अटेंड करते हैं विद देयर इंसिग्निया एंड यूनिफॉर्म। अगर हम बात करें फील्ड मार्शल रैंक के ऑफिसर्स को दी जाने वाली अलग अलग फैसिलिटीज़ के बारे में तो उन्हें बिल्कुल वही फैसिलिटीज़ मिलती है जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को दी जाती है, जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंसेस, फ्री हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, कैंटीन फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। हालांकि अब फील्ड मार्शल के रैंक को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, लेकिन ये रैंक अपने टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस रैंक्स में से एक थी। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको भी इंडियन आर्मी से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो द आर्म्ड प्रेडेटर को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।